आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है चित्रकूट से, जहां गृह सचिव अवनीश अवस्थी का आज चित्रकूट दौरा। हेलीपैड की अगवानी करने के लिए कमिश्नर डीआईजी पीएम पहुंचे चित्रकूट। इसके बाद एसीएस होम भरतकूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शिलान्यास की चल रही तैयारियों को लेंगे जायजा। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने 17 फरवरी को आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 को करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। मंडलायुक्त गौरव दयाल और डीआईजी दीपक कुमार कुछ ही देर में एसीएस होम के दौरे से पहले ही करेंगे मुआयना। ब्यूरो रिपोर्ट, रहमत अली, चित्रकूट। आप लोग थोड़ा लगातार ये करने की जरूरत नहीं, एक एक पहला उनका विजिट हुआ था बुंदेलखंड का, तब किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में नई योजनाएं, बड़ी योजनाएं, रोजगार परक योजनाओं को लेकर आए, और उसी क्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है निर्माण का कार्य अब प्रारंभ होने की कगार पर आ गया है। ये लगभग 300 किलोमीटर की सड़क है जो पूरे बुंदेलखंड के बिल्कुल हार्ट से, भरतकूप से, चित्रकूट से बांदा होते हुए, बांदा का एक तरह से ये बाईपास होते हुए, महोबा के उत्तर और हमीरपुर से दक्षिण की तरफ से होते हुए, जालौन के बिल्कुल शहर से होते हुए औरैया इटावा तक जाएगी। 300 किलोमीटर की ये 4 लेन एक्सपेंडेबल 2 6 लेन एक्सप्रेस वे बनेगी, और इसमें निर्माण एजेंसीज को भी अब नामित कर दिया गया है, इसकी वित्तीय जो है व्यवस्था भी कर दी गई है। और ये अभी प्रस्तावित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो है 29 तारीख का इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रपोज किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहां पर आ रहे हैं इस पूरे कार्य को देखने के लिए, चित्रकूट आ रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के सभी किसानों का इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बहुत सहयोग मिला है। अभी